हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी ब्लॉगिंग आइडियाज। हिंदी ब्लॉगिंग आइडियाज यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, इस चैनल को मैंने हाल ही में शुरू किया है। तो इस यूट्यूब चैनल को शुरू करने का मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों को ब्लॉगिंग, SEO, एडसेंस या फिर ऑनलाइन इनकम रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन हिंदी में आप लोगों को दे सकूं। एक जो जेन्युइन तरीका है, जिस तरीके से आप मंथली एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे, वो सब कुछ इस यूट्यूब चैनल के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस चैनल के साथ आप हर टाइम जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को हर तरह का ब्लॉगिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आज का जो मेरा पहला वीडियो है आप लोग कैसे एक फ्री ब्लॉग बनाकर एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगा कि आप लोग $700 या $1000 एक महीने के अंदर इनकम कर लेंगे। मैं आप लोगों को सिर्फ यही बोलूंगा कि आप लोग मिनिमम स्टार्टिंग के $100 आप लोग आराम से निकाल लेंगे। $100 अभी इंडियन रुपीज में क्या 70 रुपीज का आसपास चल रहा है, तो इसका मतलब समथिंग 7000 के आसपास हो जाता है एक महीने के। तो एक स्टूडेंट या फिर एक जो घर पे बैठे हैं उनके लिए ये बहुत ही एक तगड़ा इनकम है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे ब्लॉगिंग से आप उससे भी ज्यादा इनकम कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो मंथली 10 या 12 लाख इनकम कर रहे हैं सिर्फ ब्लॉगिंग के माध्यम से। तो इस तरीके का बहुत सारे ब्लॉग है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग कैसे एक फ्री में, बिल्कुल फ्री में एक फ्री ब्लॉग बना सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना पड़ेगा और इस वीडियो को लाइक, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर देना पड़ेगा। और चैनल पे नए हो तो जरूर से जरूर ये लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद इस ऑल के नोटिफिकेशन के ऊपर ऑन कर देना होगा। इससे मेरे जो नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपको फ्री ब्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों को दो चीज मैं आप लोगों को डिटेल्स में बोल देता हूँ। एक ब्लॉगिंग के लिए करने के लिए दो प्लेटफॉर्म होता है, एक होता है ब्लॉगर, एक होता है वर्डप्रेस। आप अगर बिना पैसा खर्च करना चाहते हैं तो वर्डप्रेस पे भी दो प्लेटफॉर्म है, एक है wordpress.com और एक है wordpress.org। तो wordpress.com क्या होता है, वो एक खुद का सर्वर होता है और wordpress.org पे आप लोगों को होस्टिंग बाय करना पड़ता है। तो मेरा सजेशन हर टाइम रहता है कि आप लोग wordpress.org पे ब्लॉग बनाइए। जैसे आप कहाँ से होस्टिंग खरीदेंगे, तो होस्टिंग खरीदने के लिए मैं आप लोगों को एक नया वेबसाइट बताया गया है होस्ट फिजा नाम करके। तो वहां पर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, मैं अभी उस पे मैं खुद भी वहां पर से होस्टिंग लेकर बाई, मैं एक साल के लिए बाई किया हूँ। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ से बाई किया है। तो यहाँ पर बहुत ही सस्ता और आपको बहुत ही अच्छा होस्टिंग मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग जेन्युइन तरीके से आप लोगों को कस्टमर सर्विस, मैंने सब कुछ देख लिया है, यहाँ पर सब कुछ आप लोगों को बेटर मिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं आप लोग 1 ईयर के लिए 499 के देकर आप लोग एक साल के लिए यहाँ पर सिंगल वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। 1 GB क्लाउड SSD स्पेस, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, सब कुछ मिल रहा है। और यहाँ पर और भी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये बहुत ही सस्ता प्लान है, 500 रुपीज के अंदर आप लोगों को क्लाउड होस्टिंग मिल रहा है। तो ये बहुत ही अपॉर्चुनिटी है आप लोग, मेरा सजेशन यही होगा कि आप लोग एक बिना पैसे खर्च करे अगर करना चाहते हैं ब्लॉगिंग, तो इस वीडियो के साथ आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को ओबी डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन मैं जो चीज सब लोगों को बोलते रहता हूँ, मेरे जो मुझसे जो लोग पूछते हैं कि भाई कैसे मैं एक फ्री ब्लॉग कौन सा वर्डप्रेस यूज करना चाहता हूँ एक बिगिनर के लिए, तो मैं इसको होस्ट पिज्जा सजेस्ट करता हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों को होस्टिंग मिल रहा है, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप लोग जब नया ब्लॉग शुरू करेंगे तो आप लोग सिंगल वेबसाइट बनाएंगे, तो इसके लिए 499 1 ईयर के लिए आप लोगों को ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ रहा है। और एक डोमेन का कितना खर्च पड़ेगा, 700 रुपीज में। और मैं आप लोगों को और एक तरीका बता दूंगा जहां से आप लोग फ्री में डोमेन पा सकते हैं। 1 ईयर के लिए आप लोगों को फ्री डोमेन मिल जाएगा,
तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा किस तरीके से आप लोग फ्री में डोमेन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा फ्री ब्लॉग कैसे बना सकते हैं। तो इस होस्टिंग, अगर कोई होस्टिंग बाय करना चाहता है तो इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से बाय कर सकते हैं। तो चलिए, फ्री ब्लॉग शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले आपके क्रोम ब्राउजर को ओपन करना पड़ेगा। तो आप लोग मोबाइल में भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर पीसी में करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ब्लॉगर लिख कर आप लोग को सर्च कर सकते हैं गूगल पे, या फिर आप लोगों को यहाँ से भी मिल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक नया ब्लॉग बना के, मेरा पहला ब्लॉग है, तो यहाँ से मैं नया ब्लॉग बना लेता हूँ। टाइटल दे देता हूँ डेमो ब्लॉग। नेक्स्ट, यहाँ पर आप लोगों को आपका ब्लॉग का URL अर्थात आप लोगों को एड्रेस देना पड़ेगा, आप लोग किस नाम से रखना चाहते हैं। जैसे मैं रखना चाहता हूँ मेरे नाम से सौगत दे, तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा, यहाँ पर ये नाम मेरे लिए अवेलेबल नहीं है। अगर इस नाम से कोई अवेलेबल होगा तो यहाँ पर दिखाई देगा। मैं यहाँ पर और कुछ ऐड कर देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। तो यहाँ पर सेव ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, तो ये डोमेन नेम आपके लिए बुक हो चुका है। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ व्यू ब्लॉग करके, तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को डेमो ब्लॉग देख सकते हैं, यहाँ इस तरीके से आप लोगों को ओपन होगा। ये ब्लॉगर का रेडीमेड थीम है, यहाँ से आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट आप जब ब्लॉग बनाएंगे तो आपको ये इनबिल्ड मिल जाएगा इस थीम। अगर आप लोग थीम चेंज करना चाहते हैं तो वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। पहले देख सकते हैं यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा किस तरीके से आप लोग डेमो ब्लॉग बना सकते हैं। इस तरीके से आप लोग ब्लॉगर में एक फ्री ब्लॉग बना सकते हैं। यहाँ से आप लोग आपके ब्लॉग का टाइटल दे सकते हैं, जिस तरीके से मैंने डेमो ब्लॉग दिया है, और यहाँ पर मैं मेरे इंफॉर्मेशन दूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ तो ये मेरा टाइटल हो गया। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन अर्थात आपके ब्लॉग किस टाइप से है। अगर आप लोगों का हिंदी ब्लॉगिंग रिलेटेड है तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पर हिंदी में आप लोगों को ब्लॉगिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। इस तरीके से आप लोग डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, आप जिस नीच के ऊपर काम करना चाहते हैं। आपको तो सबसे पहले नीच सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस नीच पे आप लोग काम करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे नीच होते हैं, कोई एडुकेशन, कोई डेटिंग या फिर ब्लॉगिंग, ऐसे जो बहुत सारे नीच होते हैं। आप जिस नीच पे काम करना चाहते हैं उस नीच से रिलेटेड कीवर्ड आपको इस डिस्क्रिप्शन में डालना पड़ेगा। उसके बाद कुछ कुछ सेटिंग होता है, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर फेविकॉन आइकॉन है, फेविकॉन आइकॉन आप लोगों को यहाँ पर जो ब्लॉगर का सिंबल दिखाई दे रहा है ये चेंज करने के लिए, आप लोग अगर चेंज करना चाहते हैं, आपका कोई देना चाहते हैं तो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, आप लोग यहाँ से आराम से दे सकते हैं। तो मैं ये व्हाट्सएप का आइकॉन दे देना चाहता हूँ। तो नॉट ए स्क्वायर्ड इमेज दिखाते, तो मैं यहाँ से और कोई इमेज देख लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर ये दे दिया, वो नॉट ए आपको राउंड फिगर, ऐसे मैंने फेविकॉन जनरेट करके रखा हुआ है, तो वहां से मैं वो देख लेता हूँ। हाँ, देख सकते हैं मैंने यहाँ से फेविकॉन सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर लिया। तो देख सकते हैं यहाँ पर BT चलाया है, तो यहाँ पर मैं सेव के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा फेविकॉन सेव हो चुका है। आप लोगों को दिखा देता हूँ फेविकॉन आप लोगों को किस तरीके से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अभी ब्लॉगर का सिंबल है, अभी मैंने इसको चेंज किया है, तो थोड़ी देर बाद ये चेंज हो जाएगा BT लिखकर। देख सकते हैं यहाँ पर चेंज हो चुका है BT लिखकर। तो इस तरीके से आप अपना फेविकॉन आइकॉन चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ब्लॉग एड्रेस आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग कोई अलग से डोमेन खरीदते हैं तो आप लोग अगर डोमेन बाय करना चाहते हैं तो GoDaddy, Namecheap, ऐसे बहुत सारे डोमेन प्रोवाइडर है, वहां से आप लोग आराम से कोई भी डोमेन बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ऐसा एक वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहां से आप लोग 1 ईयर के लिए फ्री डोमेन बुक कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कल एक अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, वो वीडियो से आप लोग आराम से देख सकते हैं किस तरीके से आप लोग एक फ्री डोमेन बाय करेंगे। तो डोमेन बुक करने के वहां से डोमेन बुक करने के बाद यहां पर आप लोग को एड्रेस सेट करना पड़ेगा, ये मैं जब डोमेन बुक कर लूंगा तब आप लोगों को दिखा दूंगा।
तो मैं कैंसिल करता हूं। तो यहां पर HTTPS रिडायरेक्ट, HTTPS अर्थात आपका ब्लॉक सिक्योर है या नहीं। अगर आप लोग अपना ब्लॉक को सिक्योर करना चाहते हैं, देख सकते हैं यहां पर लिखा दे रहा है कनेक्शन इज सिक्योर। अगर आप इसको इनेबल नहीं करेंगे तो आपका HTTP होगा, इसका मतलब आपका ब्लॉक नॉट सिक्योर लिखा आएगा। तो इसका करना आप लोग को बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर और कुछ नहीं है उस तरीके से, तो यहाँ पर और कुछ सेटिंग है मैं आप लोगों को दिखाई रहा हूँ। यहाँ पर मेटा टैग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है, आप लोगों को इसको जरूर करना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन को ऑन कर देना। ऑन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सर्च डिस्क्रिप्शन, सर्च डिस्क्रिप्शन में आप अपना जो जिस नीच से रिलेटेड जहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रहा है वहां पर 150 वर्ड के अंदर आप लोगों को यहां पर सर्च डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। तो मैं यहां पर देता हूं ब्लॉगिंग SEO। इस तरीके से आप लोग कीवर्ड सिलेक्ट करके 150 वर्ड के अंदर यहां पर पेस्ट कर देंगे। इससे आपका ब्लॉग का जो सर्च डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन सब कुछ रेडी हो जाएगा। रेडी होने के बाद आप लोग अगर आपका ब्लॉग का थीम चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग वो कैसे किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए आपको थीम सेक्शन में जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड बार में आप लोग को एक थीम ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आप लोगों को यहां पर कस्टमाइज देख सकते हैं। इस थीम ऑलरेडी मेरा सिलेक्टेड है, तो इस थीम को चेंज करने के बाद मैं कोई अलग सा थीम यूज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। जो साइड यहाँ पर क्लिक करने के बाद एडिट HTML ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। जाने के बाद इस थीम को आपको कोड को चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरा एक प्रीमियम थीम है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये बहुत ही मेरे पास जो प्रीमियम थीम है वो बहुत ही फास्टेस्ट थीम है, तो वो SEO फ्रेंडली भी है, वहां से आप लोगों को एडसेंस अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा, साथ ही ये बहुत ही फास्ट है। तो मैं यहाँ से कोड को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+A Ctrl+C और फिर मैं इसको Ctrl+A करके डिलीट कर देता हूँ, फिर इसको Ctrl+V करके सेव कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है, जब सेव हो जाएगा देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट सक्सेसफुली। तो देख सकते हैं मेरा पहला वाला जो ब्लॉग का डेमो था इस तरीके से था। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करके आप लोगों को दिखा देता हूँ थीम कैसा लगेगा। तो देख सकते हैं थीम बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर बहुत ही जेन्युइन टाइप लग रहा है, ये बहुत ही अलग सा है। यहाँ पर आप लोग अपना जो टाइटल देंगे, आपका जो ब्लॉग का एड्रेस होगा वहां पर होगा। यहाँ पर आप लोगों को कोई भी मतलब लिंक ऐसा नहीं रहेगा, आपका ब्लॉग का नेम रहेगा। ये बहुत ही प्रीमियम थीम है, ये मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां से आराम से डाउनलोड करके अपने ब्लॉग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग एक बहुत ही आसानी से एक फ्री ब्लॉग बना सकते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, आप लोग एक डोमेन अगर ब्लॉगर में भी करना चाहते हैं तो एक आप लोग एक फ्री डोमेन नेम बुक कर लीजिए। तो मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग कैसे एक फ्री डोमेन बुक कर सकते हैं। तो उसका वीडियो मैं आप लोगों को कल या परसों के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। तो वो वीडियो देखने के बाद आप लोग एक डोमेन बुक कर सकते हैं। तो मैं हर टाइम सभी लोगों को रिकमेंड करता हूँ, वो आप लोग ब्लॉगर में मत जाइए, आप लोग एक डोमेन और एक होस्टिंग बाय कर लीजिए। मैंने आप लोगों को दिखाया दिया कहाँ से आप लोगों को सस्ता सा डोमेन होस्टिंग बाय करना पड़ेगा। 1 ईयर के लिए 499 रुपीज है, इतना ज्यादा चार्जेस नहीं आप लोगों को लगेगा, तो आप लोग ये आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप लोग 1000-1200 रुपया खर्च करेंगे तो आप लोग आराम से एक अच्छी सी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। फिर बाद में जब आपका वेबसाइट रैंक कर जाएगा, ट्रैफिक ज्यादा आएगा, कुछ इनकम हो जाएगा एडसेंस अप्रूवल पाने के बाद, तब आप लोग होस्टिंग चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, आप लोग वहां से किस तरीके से माइग्रेशन करेंगे, किस तरीके से शिफ्ट करेंगे, सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल्स में बता दूंगा। अगर आप लोग होस्टिंग भी नहीं बाय करना चाहते हैं, उतना भी पैसा नहीं है, तो आप लोग ब्लॉगर में एक कस्टम डोमेन खरीद लीजिए। आप गोडैडी से खरीद सकते हैं या फिर नेमचीप, इस तरीके का बहुत सारे डोमेन प्रोवाइडर है, आप वहां से एक डोमेन बुक कर सकते हैं, या फिर मैं जो प्रोसीजर बोलूंगा उसके माध्यम से आप लोग एक फ्री डोमेन 1 ईयर के लिए पा जाएंगे। वहां पर आप लोगों को .net.com सब TLD डोमेन और टॉप लेवल डोमेन आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग वहां से आराम से बुक कर सकते हैं।
तो आज का वीडियो इतना था कि आज का वीडियो के अंदर हमने आप लोगों को एक टोटली फ्री तरीका बता दिया है जिससे आप लोग एक फ्री ब्लॉग बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग एक फ्री ब्लॉग बनाकर थोड़ा बहुत इनकम कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर एक यहाँ पर करियर बनाना चाहते हैं ब्लॉगिंग में और अपना एक नाम बनाना चाहते हैं तो आप लोग वर्डप्रेस पे ही पहला ब्लॉग बनाइए, ये मेरा रिकमेंडेशन होगा। अगर आप लोग कोई भी पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं तो आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ब्लॉगरी सबसे बेस्ट रहेगा। तो आज का वीडियो इतना था कि तो फिर चलिए मिलते हैं और एक नया और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।